शिक्षक दिवस पर इस तरह के शिक्षकों को समझाने की जगह शिक्षक यूनियन के नेता ट्रैफिक पुलिस बनकर मामले को कराते रहे शांत। तो ये सारी तस्वीरें देखने के बाद आपको भी लगता होगा कि ये कहां हम आ गए, कहां हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इससे अच्छा तो प्रखंड में बच्चे पढ़ते हैं। जो माँ बाप खेती करते हुए, मजदूरी करते हुए गरीब बच्चों को यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं, और यहाँ के शिक्षक इस तरह का मानहानि करते हैं उन लोगों को। बच्चों को बताते हैं कि क्या पढ़ोगे लिखोगे, क्योंकि वो तो खुद पढ़े लिखे होते ही नहीं है। डिग्री कभी कभी अलग अलग ले आते हैं, कभी इंजीनियर का ले आते हैं, कभी डॉक्टर का ले आते हैं, अब बोर्ड पर लगा देते हैं पीएचडी। देखिए के पटेल साहब भी पीएचडी का डिग्री लिए हुए, बोर्ड पर लिखा हुआ है। साहब, शिक्षा का मतलब समझते हैं क्या? हम उनसे भी पूछना चाहते हैं जिन्होंने शिक्षक संगठन को बनाया है शिक्षकों की मजबूती के लिए, शिक्षकों की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए। ये नहीं बनाया है कि ऐसे शिक्षकों के लिए हम दलाली करें, वहां जाकर के थाना में हम मैनेज करें, और वो कई जो न्यूज चैनल हैं उनके साथ बैठ करके उनको दबाव डालते हुए उनको मैनेज करें कि वीडियो डिलीट कर दीजिए, और वीडियो डिलीट करते हैं तो वाहवाही करते हैं जाकर के। देखे, वाह वाह, शिक्षक संगठन के वो नेता, मैं उन पर ताली बजाता हूं। आप वीडियो डिलीट करवा करके आप अपने आप को समझ रहे होंगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया, और बाद में कहते हैं कि देखे चौथे स्तंभ कैसे बिक गया। शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी भी, अगर बची हुई है तो। हमें नहीं लगता कि अब बची हुई है, लेकिन अगर बची हुई है तो शर्म आनी चाहिए कि आपने पूरे 90% शिक्षकों के मान सम्मान को गिरा दिया है इस समाज में, दरभंगा में गिरा दिया है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को आपके जैसे संस्थान में भेजने से परहेज करेगी, अगर भेजते हैं तो वो अभिभावक भी उसकी तरह बहुत मजबूर होंगे। इसीलिए आपके ट्यूशन सेंटर से बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं कोचिंग में, जहां एक छत के नीचे सभी विषय की पढ़ाई होती है, और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ गार्ड होते हैं, वहाँ दो दो मैनेजमेंट देखने वाले होते हैं। ये हम कह रहे हैं, इसलिए हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आपके यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जब चाहे छात्र सीटी मार देते हैं, क्योंकि शिक्षक भी सीटी मारने वाले हैं। ये बताइए, जो के पटेल मंच पर बैठ करके अश्लील गीतों पर हाथ पर ताली मार रहे हैं, वहाँ के सामने बच्चे सीटी बजा रहे हैं, क्या वहाँ पढ़ाई होगी? क्या वहाँ क्लास के समय में बच्चे उनका सम्मान करेंगे? क्या वो शिक्षक उनके साथ सम्मानजनक बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे? कदापि नहीं हो सकती। और इस पर ऐसे शिक्षकों पर, ऐसे संगठनों को भी आगे आकर के इस तरह का विरोध करना चाहिए, तब हम समझेंगे कि शिक्षक संगठन भी छात्र हित में काम कर रहा है, इस समाज के लिए काम कर रहा है, ना कि ऐसे शिक्षकों को बचाने के लिए। हम बता दें, इसके बाद हंगामा हुआ भटियारी सराय में। पुलिस पहुंची, शिक्षक को उठा करके ले गई, वहां पर घंटों अफरा तफरी का माहौल हो गया, बहुत से लोग जमा हो गए कि देखे किसे गिरफ्तार किया गया। वहां एक ही चर्चा थी, बस एक चर्चा, कि एक नाकारा शिक्षक ने अपनी छात्राओं के साथ नृत्य करवाया, स्टेज पर नृत्य कराने के बाद वीडियो को वायरल किया, और उस अश्लील गीत पर छात्र, वहां मौजूद जो दर्शक थे, वो सीटी बजा रहे थे, डांस कर रहे थे, अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे थे। शर्म हो गया था उस नाका पांच पर, जो कोतवाली थाना के सामने लोग थे, लोग भी जमा हो गई, रास्ता जाम हो गया, लेकिन वहां पर एक दो शिक्षक आ गए, हो सकता है वो शिक्षक संगठन के हो, देख सकते हैं आप भी तस्वीर में, वो आ गए और आकर के भीड़ को शांत करने लगे। मत बोलो, ये शिक्षक है, हमारे शिक्षक हैं, जाने दो ना, गलती किया है तो क्या हुआ, नृत्य ही ना किया करवाया है, लड़कियों से नृत्य करवाया तो कौन सी बड़ी बात है, बहुत जगह होता है, ये कहकर शांत करने लगे उन्हें। और शांत करने के बाद ड्रामा चला, हाई वोल्टेज ड्रामा। थाना में बैठकर 5-10 शिक्षकों ने कहा कि देखिए इस बात को यही खत्म कीजिए और फिर देखा जाएगा। और तब शिक्षकों से, उस शिक्षक के पटेल ने पूरे थाना में, थाना प्रभारी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि मुझे गलती हो गई। भाई साहब, गलती 21 में भी हुई थी, जो खुद शिक्षक कह रहे हैं, अब 22 में भी आपने गलती किया और अब माफ़ी मांग रहे हैं, शर्म लिहाज नाम की चीज़ है कि नहीं है? हम बोलेंगे, याद रखिएगा, कुछ भी करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि ये मिथिला मंच न्यूज़ ना झुकने वाला है ना डरने वाला है, लेकिन ऐसे भूमाफिया अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ता है और लड़ेगा, क्योंकि हमें इस समाज की रक्षा करनी है, हमें दरभंगा के अस्तित्व को बचाना है, दरभंगा के शिक्षा जगत को बचाना है। हम कई बार इसी शिक्षकों के लिए
जो दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ चुके हैं, उनके हित में लिए एक माहौल बना चुके हैं। लेकिन ये शिक्षक अगर दरभंगा से छात्रों का ट्यूशन सेंटर से पलायन हुआ है, ऐसे ही शिक्षक जिम्मेवार हैं जो कि ग्रुपिंग करते हैं, हम 5 छात्र देंगे तुमको, तुम भी 5 छात्र हमको दे देना, इस तरह का ग्रुपिंग चलता है। और अब तो अब छात्राओं से डांस करवाते हैं। तो चलिए हंगामे के बाद अब हम आपको दिखाते हैं पहले क्या हंगामा, उसके बाद फिर